कागरौल के घड़ी कालिया इलाके में अपने ही परिवार जनों के खून से होली खेलने वाले तिहरे हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद के चलते तीन भाइयों ने मिलकर अपने पिता और दो भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने षड्यंत्र के तहत पहले पिता का गला घोटा, उसके बाद दोनों भाइयों की बारी बारी से हत्या कर दी। तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपित घटनास्थल से भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कागरौल क्षेत्र के गांव गड़ी कालिया में पिता और दो भाइयों के ट्रिपल मर्डर की पूरी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव गड़ी कालिया के रहने वाले किसान राजन सिंह के पांच बेटों में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या आरोपियों का कहना है कि पिता उनके दो भाई सोम प्रकाश और हेम प्रकाश के प्रति अधिक झुकाव रखते थे। उन्होंने अपने आक्रोश का जिम्मेदार अपने पिता को ठहराते हुए बताया कि उन्होंने बंटवारे से सोम प्रकाश और हेम प्रकाश की जमीन में अधिक हिस्सा दे दिया था। साथ ही उन्होंने बाकी तीन बेटों की जमीन एक पाई देने से भी इनकार कर दिया था। पिता की इन्हीं बातों से आक्रोशित होकर उन्होंने पिता और दोनों भाइयों की हत्या का फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने एक एक करके तीनों की हत्या को अंजाम दिया। सबसे पहले पिता के कमरे में जाकर उनका साफी से गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों भाइयों के घर आने पर उनकी खोखरी और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार करके हत्या कर दी। पुलिस उपायुक्त सोनम कुमार ने बताया कि हत्याकांड में सोम प्रकाश की पत्नी बीना ने अभियोग दर्ज करवाया था, जिसमें जय प्रकाश भानु प्रताप और उसकी पत्नी आरती हरबीर और उसकी पत्नी बिकी को नामजद किया गया था। आगरा पश्चिम जोन के पुलिस प्रशासन ने घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी जयप्रकाश भानु प्रताप और हरबीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उन्होंने किस तरह पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस को वारदात में प्रयोग खुकरी और कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस अब आरोपियों को जेल भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसमें ये पांच भाई थे और उनके पिता थे, इसमें से दो भाई और उनके पिता मथुरा में रहते थे। तो पिता थे, उन्होंने अपनी जमीन उन दो भाइयों के नाम कर दी और जो जमीन को बेच के कुछ पैसा था वो भी इनको ही दे दिया। इसको लेकर के इनके बीच में विवाद था। इन सब कागरों में कल गांव में अपने घर पे था, उसी क्रम में इनके बीच में झगड़ा हुआ और इसमें दो व्यक्ति इसमें थे, विजय प्रकाश उर्फ करुआ और हरवीर उर्फ खाना, इन लोगों ने, और तीसरा उनका जो भाई था भानु पता, इन लोगों की साजिश थी और उन्होंने तीनों को पहले घायल किया था। पिताजी का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और दोनों जो भाई थे वो ऑन द स्पॉट डेथ पाए गए। इस क्रम में हमने भानु प्रताप, विजय प्रकाश उर्फ करुआ, हरवीर उर्फ खाना, ये तीनों गिरफ्तार कर लिए और एक आलाकत टुकड़ी, एक कुल्हाड़ी, एक गमछा, 4900 रुपीज़, दो आधार कार्ड, एक आईडी कार्ड और दो डीए, ये वहाँ से बरामद किए और इनको गिरफ्तार करके हम जेल भेज रहे हैं। मुकदमा अपराध संख्या 120/23, धारा 147, 48, 149, 302, 34 और 120 में लगाया गया है और उनको जेल भेजकर आईटी विधि कार्रवाई की गई। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ऋतिका फुलवानी की रिपोर्ट।